नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 इन दिनों टेलीविजन की दुनिया पर धमाल मचाए हुए हैं। इस बार शो में बैंगलोर के पीछे सिद्धार्थ ने दस्तक दी, जिनके बिजनेस का नाम है स्निच। वहीं पीछे से जब उनके बारे में शार्क नमिता ने पूछा तो उन्होंने अपने बारे में जानकारी देते हुए बताया उन्हें क्लोदिंग का पैशन रहा है 14-15 सालों से। इसके बाद पीचर ने अपने बारे में और बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया और शार्क अनुपम ने उनके कपड़ों को लेकर उनके दाम जानना चाहा। वही नमिता ने पीचर से पूछा कि इन कपड़ों को डिजाइन कौन करता है और अप्रूव कौन करता है, जिस पर पीचर ने कहा कि उनके पास डिजाइनर की टीम है। वही पीयूष बंसल ने भी पीचर से जानने की कोशिश की कि ये बिजनेस मैनुअली चलाते हैं या फिर कोई और तरीके से बिजनेस को पीचर रन कर रहे हैं, जिस पर पीचर ने इस बात को शार्क को बताया कि वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं। वहीं जब पीचर से अमन गुप्ता ने पूछा कि उनके डिजाइन काफी बेसिक है तो पीचर ने कहा कि ये वो अमन से ही सीखे हैं और ब्रांड को प्रमोट करना, जिस पर अमन पीचर की चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। वहीं पीचर से जब सेल की बात की गई तो पीचर सिद्धार्थ ने कहा कि वो पिछले महीने 9 करोड़ का सेल कर चुके हैं। वहीं शार्क पीयूष ने जब पूछा कि 9 करोड़ के बिजनेस में पीचर ने कितने पैसे प्रॉफिट में कमाए हैं तो पीचर ने कहा लगभग 50 लाख रुपए, जिस पर अमन ने कहा कि 50 लाख महीने के कमा रहे हो बिना फोकस, अगर फोकस कर दिया तो क्या करोगे। जिसके बाद शार्क अमन ने बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होती है इसकी जानकारी दर्शकों को दी। वहीं पीचर ने कहा पिछले साल का रेवेन्यू 44 करोड़ है और इस साल का 90 से 100 करोड़। इसके बाद अपने फैमिली और बिजनेस के बारे में बोलते हुए पीचर सिद्धार्थ काफी भावुक हो गए। जिसके बाद शार्क अनुपम ने पीचर सिद्धार्थ को कहा आपको बहुत अच्छी तालीम मिली है, आपको दिल से सैल्यूट। आपको बता दें पीचर शार्क ने आस्क किया था 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। इसके बाद पीचर के बिजनेस पर पांचों शार्क ने डील डन किया। ये शो इस बार काफी इंस्पायरिंग रहा। तो ऐसे ही खूबसूरत, इंस्पायरिंग और मजेदार वीडियोस के लिए ट्रेंड फ्रीक को लाइक और सब्सक्राइब करें और शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 देखते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।